जय शंकर की। नमस्ते भाई, शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिष एवं वैद्य सम्राट स्वर्गीय दरबारी लाल शर्मा जी के पांचवी पीढ़ी के तंत्राचार शास्त्री लोकेश पागल। आपका हूँ मैं, आप मेरे हैं, इसीलिए कुछ कहने के लिए आता हूँ। खुली विस्तृत भुजाओं के साथ आपका उस मंच पर स्वागत करता हूँ, तंत्र के लेवल पर जहाँ लोगों को डराया जाता है। लेकिन मैं ब्लैक मैजिक नहीं, वाइट मैजिक करता हूँ। कहने का मतलब ब्लैक मैजिक को ख़त्म करता हूँ। वैसे भी ये माहौल वो चल रहा है दिवाली का, होली दिवाली पर बहुत सारी क्रियाएं कलाप किए जाते हैं। हमारे सृष्टि वातावरण में एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो हर कार्य कर सकती है। सोई हुई शक्तियां भी काली चौदस की रात को जागृत होते हैं, तो वही सब देखते हुए कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये मदार के तंत्र पे तंत्र दिए जा रहा हूँ, आपके जीवन को पलट सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके करने पर और मेरी गाइडलाइंस लेने पर। अब तक 3 एपिसोड मदार के दे चुका हूँ, ये चौथा है। मदार के वृक्ष की जड़ की माला तैयार करा लीजिए या कहीं मिल जाए तो ले लीजिए, बड़ा मुश्किल से मिलेगी, तैयार करानी पड़ती है। श्वेतार्क की जड़ की माला, मदार के वृक्ष की जड़ की माला, आंख के जड़ की माला, बात एक ही है, पौधा एक है, नाम अनेक है। उस माला से जो चौथ होती है मासिक में, चतुर्दशी जो होती है, उस दिन से स्टार्ट करिएगा जाप करना 41 days, 41 दिन के लिए। नित्य गणेश जी के सामने दूब घास चढ़ा के, यानी दूर्वा, ओम गम गणपते नमः का उच्चारण करते हैं तो धन वैभव तो आएगा ही, समृद्धि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन जन्म लिया है तब से कुछ आपकी इच्छा थी पूरी नहीं हुई है, वो भी आपके गले लग जाएगी, ये इसका चमत्कार होता है। मदार एक वो चीज़ है तंत्र दुनिया में जिसके बारे में जितना कहें उतना कम है। जैसे आयुर्वेदिक में त्रिफला अमृत है, वैसे ही तंत्र में मदार अमृत है। सब कुछ इससे किया जा सकता है, दो ही अमृत हैं तंत्र में, मदार और अपामार्ग, दो वनस्पति से कुछ भी हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल शिवतंत्र ज्योतिष इंडिया और त्रिकाल तंत्र ज्योतिष। बहुत कुछ नया होने वाला है और हो रहा है, होता भी रहेगा। बहुत जल्द हमारी भागवत कथाएं भी प्रारंभ हैं, अनेका अनेक शहरों में जाने का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है, बस देर है तो आपके मिलने की। एक उस मंजिल पर हम स्वागत करते हैं जिसका आपको बेहद इंतज़ार था। चलिए बस आज के लिए इतना ही, आशा उम्मीद और कामना करते हैं कि जानकारी बहुत पसंद आ रही होगी, और नहीं आ रही होगी तो वो भी अच्छा है, तो मेरा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। पसंद आए वो करिए, नहीं आए वो ना करिए, लेकिन उल्टी सीधी बात ना करिए। मेरा स्वभाव, मेरा रास्ता ये नहीं कि मैं लौट के बदतमीजी करूँ, लेकिन मजबूरी होती है तो करनी पड़ती है, क्योंकि संसार में मैं भी रहता हूँ, जग में। जग का मतलब है जा माने जन में, गा माने गए, जन्म लेके जो गए वही तो संसार है। जन्म ना मरना यही संसार का चक्र है, मृत्यु लोक ही इसका नाम रखा गया है, कि जो जन्म है वो मरेगा जरूर, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। कभी भागवत में बताएंगे विस्तार से। तो इस मदार के तंत्र को आप करिए और फिर देखिए कमाल, क्या कैसे आपकी इच्छा पूरी होती है जो अभी तक नहीं हो पाई थी, पूरी ज़िंदगी में निकल गई थी आपकी ज़िंदगी, सारे कुछ यत्न किए थे हासिल नहीं हुआ था, लेकिन अब हो जाएगा।
बस श्वेतार की जड़ की माला का प्रबंध कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम कार्रवाई में लगते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ नवरात्रि का कार्यक्रम बड़े ज़ोर तोर से चल रहा है, आज रजिस्ट्रेशन लास्ट है हमारे यहाँ, आज के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ओम नमः शिवाय।